ब्लॉग देखा था जाहिल लोगों का, मतलब ये लगा लो कि तुम किसी की ना मरगत पे भी ब्लॉग बना रहे हो। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को पता ही है, आज से 3 दिन पहले शिवानी कुमारी ने अपने ब्लॉग चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जहां पर उसके जो पड़ोस में एक लड़की की मौत हो गया था, तो उस पर एक वीडियो बनाया था शिवानी कुमारी ने और उसको अपलोड किया था यूट्यूब पर अपने ब्लॉग चैनल पर। तो उसके बाद से शिवानी कुमारी को बहुत ही ज्यादा हेट मिल रहा था। लोगों का कहना था कि मतलब ऐसे कुछ व्यू के लिए शिवानी कुमारी किसी के मतलब मौत का किसी के फीलिंग के साथ खेल रहा है। जैसे कि आप सभी को पता ही है, किसी के घर में अगर मौत हो जाता है तो किसी का भी मौत हो जाता है तो कितना दुख वाली बात है। उस जगह पर जाकर के ये जो शिवानी कुमारी वीडियो बनाते हैं, मतलब वीडियो बनाया है, तो मतलब आप लोग समझ सकते हो किस तरीके से लोगों के फीलिंग्स के साथ खेल रही है। तो उसी के ऊपर अरमान मालिक ने रिएक्ट करते हुए क्या कुछ बोला है, मतलब इसके ऊपर बोला है कि आप मतलब ऐसे थोड़ा बहुत व्यू के लिए आप ऐसे मत करो, ऐसा मत करो। तो आप लोगों का क्या क्या कहना है बाद में हम सुनेंगे। तो आप लोग एक बार अरमान मानिक का वो थोड़ा सा क्लिप सुन सकते हो क्या कुछ बोला है शिवानी के बारे में। एक ब्लॉग देखा था जाहिल लोगों का, मतलब ये लगा लो कि तुम किसी की ना मरगत पे भी ब्लॉग बना रहे हो। शर्म की बात है ना भाई, गलत बात है। लोग इतने अच्छे बन रहे हैं, इमोशन ऐसे निकल रहा है, तुम वो कैप्चर कर रहे हो, थंबनेल भी अर्थी वाला लगा रहे हो। तो ये बात तुम्हें पता, मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, हमारी ग्रेट शिवानी के लिए बोल रहा हूँ। तो आप लोगों को क्या लगता है, शिवानी कुमारी सही है, मतलब किसी का मौत का वीडियो बनाना सही है या फिर गलत? और अरमान मालिक ने ये वीडियो बनाने के बाद उसको भी बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है, क्योंकि उसने भी मतलब व्यूज के लिए अपने बीवी को जिम पर ले जाते हैं और उल्टा सीधा, जैसे कि आप सभी को पता ही है, 2 बीवियों के साथ वीडियो बनाते हैं, तो इसीलिए उसको भी बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है। तो आप लोगों का क्या कहना है हमें कॉमेंट करके बता सकते हो।